क्वेश्चन इज हाउ टू कीप योर माइंड एंड बॉडी फिट एंड फाइन. इफ योर माइंड इज फिट, योर बॉडी इज फिट. इफ योर माइंड इज नॉट फिट, योर बॉडी इज ऑलवेज सिक. तो सारा खेल माइंड एंड बॉडी का है. बहुत अच्छा हमारे वेदों में दिया गया था, आज भी है. अगर ध्यान से किसी ने वेद पढ़े हो तो उसमें दिया है, बीमारी आती है मन से. बीमारी कहां से आती है? मन से आती है. मन जीत तो जगत जीत, मन जीत तो जगत जीत. मन जागे, मन जागे तो सारे रोग भागे. लेकिन हम मन को तो जगाना ही नहीं चाहते, मन को हमेशा दुखी बना के रख देते हो. मेरे बच्चे के साथ ऐसा, मेरी बच्ची के साथ ऐसा, और दर्द वहां पे नहीं, खुद पे लिए जाते हो. बच्चे बच्चे आराम से घूमते फिरते रहते हैं और माँ हमेशा दुखी पड़ी रहती है, मेरे बेटे के साथ ऐसे हो गया, मेरे दुकान में ऐसे हो गया. लेकिन फैमिली इतनी अच्छी हैप्पी फैमिली मिली वो नहीं देखेंगे. बट वी आर ऑलवेज डिस्टर्ब विथ माइंड, एंड व्हेन योर माइंड इज डिस्टर्ब योर बॉडी गेट्स डिस्टर्ब. तो आज से एक चीज बना लेना कि माइंड को हमेशा मुझे फिट रखना है ताकि मेरा बॉडी हमेशा फिट रहे. सारे रोग की शुरुआत होती है आपके पेट से, और पेट के रोग की शुरुआत होती है चेंज जुबान से. ऑलवेज रिमेम्बर, यदि आपके हाथ और पैर पतले हैं तो पेट क्यों मोटा है? सबसे बड़ी बीमारी का कारण आपका पेट है, और उसकी जड़ है आपकी जुबान. कुछ गलत बोल दिया तो मार भी खाएगा, लेकिन वो शरीर मार खाता है, वो तो बोल के अंदर चले गए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा. स्वाद ले लिया और अंदर चले गए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा. जुबान को देखना, अपने 32 दांत जो कड़क खुदा ने दिए हैं आपको, कुतरना देखो कभी नहीं कटेगी. वो कभी कट के गिर गई, लेकिन शरीर जरूर. कितने हार्ड है आपके दांत, आपका नेचर यदि यही हार्डनेस मेंटेन करोगे नेचर में, तो एक दिन गिर जाओगे, टूट जाओगे. बहुत अच्छा, जुबान बहुत अच्छी चीज सिखाती है. मेरी तरह रहो ना, बिना हड्डी की. दांत कितने मजबूत है, लेकिन थोड़े समय के बाद सब गिर जाते हैं. रिप्लेसमेंट है आजकल वैसे तो, दांतों का भी रिप्लेसमेंट हो रहा है. बट वी हैव टू रिमेम्बर कि आखिर पेट का ब्लोटिंग इतना क्यों हो रहा है, व्हाई यू आर गेटिंग सो मच गैस्ट्रिक ट्रबल. आपने बंदर को देखा है, लेकिन कभी घर में नहीं पाले आप इनको. आप कुत्ते को पालते हो, बिल्ली को पालते हो, तोते को पालते हो, रैबिट को पाल लेते हो, बंदर को क्यों ही नहीं पाता? देखो वेरी लकी हम, आपको यदि फ्रूट खाना है तो खरीदना पड़ता है लाइसेंस, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं. लेकिन बंदर को परमात्मा ने पहले से ही लाइसेंस परमिट कर दिया, तुमको जहां जाना है तुमको परमिशन है खाने की. कभी बंदर बीमार नहीं होता, कभी बंदरी ये नहीं बोलेगी कि मुझे कंसेप्शन प्रॉब्लम है, कभी बोली. कभी बंदर ये नहीं बोला कि मुझे यूरोलॉजिस्ट की जरूरत है, बोला ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम होगी, स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम होगी, मुझे कॉन्स्टिपेशन है, कभी नहीं बोला बंदर, ना बंदरी बोली. वो तो कोई गायनिक के पास नहीं भागे, ना किसी यूरोलॉजिस्ट के पास भागे, ना कभी किसी एशियन इंस्टीट्यूट भागे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन के पास भागे, नागेश्वर जी के पास भागा कभी कोई बंदर? नहीं भागा, नहीं देखा ना वहां पे, नहीं. लार्ज इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, पेट में अल्सर हो गए, हर्निया हो गया. बंदर को कभी हर्निया नहीं हुआ, हमको ही हर्निया. वी हैव नेवर
क्रिएटेड दैट थॉट कि यार उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, जानवर होने के बावजूद घर में जितने पालोगे वो सारे जानवर बीमार मिलेंगे, बार बार इंजेक्शन दिलाने ले जाते हो आप उस जानवर को, लेकिन कभी बंदर को किसी इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, ना उसको कभी बीसीजी का इंजेक्शन दिया गया, ना कोविड का इंजेक्शन मिला, लेकिन हम क्या करते हैं, बार बार हर चीज के लिए इंजेक्शन लेते हैं, स्टीरॉइड का पंप लेते हैं, उनको कभी जरूरत नहीं पड़ी। कितना हेल्दी खाता है कभी सोचा? कभी बंदर की तरफ ध्यान से गौर से देखना, यदि आप कोई फ्रूट देते हो उसको, वो तो हर डाल डाल पे झाड़ झाड़ पे जाता है ना, क्या करेगा, फ्रूट लेगा जरूर हाथ में लेकिन इमीडिएट मुंह में नहीं डालेगा, ध्यान देना इस बात को, पहले स्मेल करेगा उस चीज को, कच्चा है या नहीं वो देखेगा पहले, एक बाइट मार के नहीं समझ में आया फेंक देगा, देखना, नोटिस करना, लेकिन आप नहीं करते हो, आप अपने आप को कॉन्स्टिपेट क्रिएट करके रखते हो। आपको मालूम है पैसा भी आपका, पिज्जा भी आपका, हॉस्पिटल का खर्चा भी आपका, सारा खर्चा आप ही का होने वाला है। आर यू अर्निंग एंड कीपिंग मनी इन द लॉकर टू गिव टू द डॉक्टर? यू आर अर्निंग मनी इन योर लॉकर टू गिव टू डॉक्टर, तो ध्यान रखो। बंदर बंदरी को कभी जरूरत नहीं पड़ी बच्चे को जन्म देने के लिए गायनिक की, लेकिन आप कंसेप्शन के लिए भागते हो, आईयूआई, आईवीएफ, कभी सोचना वाई, ये सारी बीमारी का जड़ है हमारा पेट, और इसका मेन रूट है, रूट कॉज योर टंग। तो कभी कॉन्सेंट्रेट करना, कभी फोकस करना कि जब बंदर कभी भी दुबला ही रहता है, कभी आपने देखा बंदर ऐसा हो गया? नहीं हुआ। Why? कभी बंदर को देखना, आप बंदर को यदि यूं मारने जाते हो क्या कौन सी आवाज निकालता है? तो बंदर की एक्सरसाइज करके पेट की जितनी बीमारी है, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, इफ यू हैव एनी अल्सरेशन इन योर स्टमक, इफ यू हैव लार्ज इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, इफ यू आर हैविंग स्मॉल इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, इफ यू आर हैविंग ओलिगोस्पर्मिया, लो स्पर्म काउंट, इफ यू आर हैविंग पीसीओडी, पीसीओएस, कंसेप्शन प्रॉब्लम, ये सारी बीमारी खत्म हो जाती है जब आप बंदर बन जाते हो। क्या करेंगे? थम लेंगे, थम को नाभि पे रखेंगे, दबाएंगे नाभि को और क्या बोलेंगे? करेंगे एक्सरसाइज, दुबले हो जाएंगे।